हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन प्रिया पावर एजुकेट। आज 8 नवंबर है 2019 चल रही है और उसकी आज हम लोग सरकारी भर्ती देखेंगे, ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब। और आज की टॉप 6 बड़ी भर्तियां आई हैं जो स्पेशली अप्रेंटिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो जो अप्रेंटिस कर चुके हैं और जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो ज़रूर देखें, जिसमें 10th भी मांगी है, 12th भी मांगा गया है, डिग्री मांगी है, डिप्लोमा मांगा गया है, बट स्पेशली इसमें अप्रेंटिस की आज जॉब ज़्यादा निकली है, तो आप उसको ज़रूर देखिए। तो आइए चलते हैं पहले टॉप नंबर वन की वैकेंसी की ओर। आइए लेते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों, अब पहली भर्ती देखते हैं, जो कि पहली भर्ती आई है राजस्थान हाई कोर्ट से, जिसका पोस्ट का नाम है प्यून और ड्राइवर की आई है। इसमें वैकेंसी आपकी 3678 है, प्लस आपकी पे स्केल जो कि सैलरी होती है वो आपकी 12,400 है, 12,400, प्लस इसकी क्वालिफिकेशन 10th मांगा गया है और एज लिमिट इसकी 18 से 40 साल है। प्लस इसमें एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 150 रुपये, 150 रुपीज़ हैं जनरल कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट के हैं, प्लस SC ST के लिए मात्र 100 रुपये हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस डायरेक्ट रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा। दोस्तों आइए और जानकारी ले लेते हैं राजस्थान हाई कोर्ट की वैकेंसी के रिलेटेड। ये आपकी है वैकेंसी का, आपका अप्लाई मोड ऑनलाइन है डायरेक्ट, इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें आप डायरेक्ट क्लिक करके जा सकते हैं इस पोर्टल के पर्टिकुलर URL पे। अब इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट आपकी दोस्तों 18 नवंबर से शुरू होगा वैकेंसी और 17 दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगा। प्लस इसका दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वैकेंसी क्या आई है। नेक्स्ट वैकेंसी आई है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की वैकेंसी आई है, जिसमें पोस्ट का नाम ट्रेड अप्रेंटिस है। अप्रेंटिस है तो आप जानते होंगे, जिसमें ITI मांगा जाएगा और हाई स्कूल, जैसे कि बात सही है, ITI और हाई स्कूल मांगा जाता है। प्लस इसमें 2029 की वैकेंसी आई है और आपका पे स्केल आपको रिक्रूटमेंट बॉक्स में देखना होगा, इनकी जो नोटिफिकेशंस आती हैं। प्लस एज लिमिट इसकी 15 से 24 साल है और एप्लीकेशन फ़ीस इसकी 100 रुपीज़ है और SC ST के लिए 9 फीस है, निःशुल्क है। इसका डायरेक्ट सिलेक्शन प्रेस मेरिट लिस्ट पे होगा, कोई इंटरव्यू और कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। दोस्तों ये एम्प्रेटेंस के लिए काफ़ी अच्छा है, जो आपके 10th और ITI में जो अच्छे रिजल्ट आए उसके अनुसार आपका एग्ज़ाम होगा, मेरिट लिस्ट चुनी जाएगी। प्लस इसकी अप्लाई मोड ऑनलाइन है, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स इसमें 8 नवंबर से करके 8 दिसंबर तक भरा जाएगा, जो कि 1 महीने तक का है, आप ज़रूर देख लें जो अप्रेंटिस कर चुके हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी भर्ती की ओर चलते हैं, वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉन्स्टेबल की जॉब निकली है, प्लस आपकी 1356 वैकेंसी है, प्लस इसमें आपका 21,700 से लेकर के 69,100 Level 3 की पे स्केल सैलरी मिलेगी। प्लस इसमें क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास मांगा गया है और एज लिमिट आपकी 18 to 23, 18 से 23 साल तक है। इसमें दोस्तों कोई फीस नहीं लगनी है, निःशुल्क सेवा है। प्लस इसका फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट होता है, तो आप जानते ही हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में क्या होता है। आइए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है इसकी। दोस्तों ये पहले डायरेक्ट बात, तो ये डायरेक्ट ऑफलाइन है, ऑफलाइन है तो हमारा लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसमें डायरेक्ट कर क्लिक करके आप उसको प्रिंट आउट ले करके फॉर्म भर के पोस्ट कर सकते हैं। प्लस इसकी जॉब लोकेशन लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया है। प्लस इम्पॉर्टेंट डेट इसकी 7 से 14 नवंबर तक मात्र खुला हुआ है, तो इसको ज़रूर देख लें, कम समय के लिए खुला हुआ है। आइए अब हम लोग दूसरी भर्ती की ओर चलते हैं और ये आपकी आई है डायरेक्ट हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के लिए, जिसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए मांगा गया है। ट्रेनिंग आपका 12 महीने, कुछ लोग 2 साल का, 24 महीने का होता है। इसमें क्वालिफिकेशन डिग्री मांगी गई है और वैकेंसी 45 है। इसमें कोई फीस नहीं है, डायरेक्ट रिटन टेस्ट होगा, उसके अनुसार आपका चुना जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं दोस्तों। इसकी इंपॉर्टेंट डेट डायरेक्ट आपकी 11 नवंबर से 1 दिसंबर तक है। ओके दोस्तों आइए अब दूसरी भर्ती की ओर देखते हैं हम लोग। दूसरी भर्ती आपकी है हार्ट्रॉन लिमिटेड की है, जिसमें प्रोग्रामर, जूनियर प्रोग्रामर और सिस्टम एनालिस्ट की जॉब है, जिसमें वैकेंसी 70 है।
इसकी पे स्केल काफ़ी सही है दोस्तों, सिस्टम एनालिस्ट की 37,800 है पर मंथ, जूनियर प्रोग्रामर की 20,250 पर मंथ और प्रोग्रामर की 25,200 पर मंथ। क्वालिफिकेशन अब जबकि कंप्यूटर बेस्ड तरीका है तो इसमें बी टेक, बी एस सी, एम सी ए, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इसको मांगा गया है। प्लस इसके फीस निःशुल्क है, इसका डायरेक्ट रिटन टेस्ट होगा और प्रोग्रामिंग टेस्टिंग होगी। आइए इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं दोस्तों। इसकी इंपॉर्टेंट डेट है आपकी 20 नवंबर तक लास्ट डेट है और ये खुल चुका है तो इसको भरना ना भूलें, इसको ज़रूर देख लें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन प्राप्त किए हों। आइए अब आखिरी सरकार भर्ती देख लेते हैं, आखिरी कौन सी भर्ती है, ये भेल की आई है डायरेक्ट बेल की, सॉरी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के है। देखो दोस्तों आज अप्रेंटिस काफ़ी जॉब निकली हुई है तो जो अप्रेंटिस कर चुके हैं वो इनमें से कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं और जा सकते हैं। जिसमें पे स्केल आपकी है ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 11,110 रुपीज़ और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 10,400 रुपीज़ मांगी गई है। क्वालिफिकेशन बी टेक डिप्लोमा है और इसमें निःशुल्क है, आप इसको डायरेक्ट भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी लास्ट डेट देख लेते हैं दोस्तों। लास्ट डेट पहली बात तो लास्ट डेट इसकी 10 नवंबर से वॉकिंग इंटरव्यू डायरेक्ट, आई एम सॉरी, इसकी वॉकिंग इंटरव्यू है डायरेक्ट। आप इसकी इसका नोटिफिकेशन में पढ़ लें तो आपको डायरेक्ट उसका एड्रेस मिल जाएगा या इस वेबसाइट में जा सकते हैं और उसमें आपको डायरेक्ट एड्रेस मिल जाएगा और फिर उसके बाद वहाँ पर रिटन टेस्ट होगा और वॉक इन इंटरव्यू सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक चलता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आज के लिए यही टॉप 6 भर्ती थी, अगले दिन हम लोग दूसरी टॉप 6, टॉप 7 या टॉप 5 लेके आएंगे डिपेंडिंग कितनी आती है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप हम लोग आपको रोज़ देते रहेंगे। थैंक यू।